स्टील मिल का आप देख लें, लोग भी बैठे हैं वहाँ, जो सुई गैस है वो भी प्रोवाइड की जा रही है विद ज़ीरो चांसेस ऑफ दैट मिल बीइंग रिवाइव्ड, जो सिर्फ स्क्रैप में बिचेगी। इस वक्त दो एसेट्स हैं विच आर इन प्ले ऑन द प्राइवेटाइजेशन साइड। पीआईए ट्रांजैक्शन को हम आगे लेकर चले, उनमें कंपनीज इनकॉर्पोरेट होनी थी, लाइबिलिटीज शिफ्ट होनी थी इनटू द होल्ड को, वो सारा हुआ। तो पीआईए अब 6 लोग प्री क्वालिफाई हो चुके हैं और इंशाल्लाह उसकी ड्यू डिलीजेंस इस वक्त जारी है और आप जुलाई अगस्त तक इंशाल्लाह उसका रिजल्ट देख लेंगे। इस्लामाबाद की आउटसोर्सिंग भी इसी तरह जो क्वालिफाइंग बिड्स हैं वो आ चुकी हैं, उसमें भी हम डिलीजेंस की तरफ लेके जाएंगे और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे नहीं रुकेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये ताकीद कर दी है कि इस ट्रांजैक्शन को वी हैव टू सी इट थ्रू द फिनिशिंग लाइन। पाकिस्तान स्टील मिल्स बहाल नहीं, अब कबाड़ में बिकेगी। पास्को को भी सरकारी तहवील में नहीं रखेंगे। हजारों अरब रुपए का खसारा बर्दाश्त नहीं कर सकते, नुकसान वाले इदारे बेच देंगे, वजीर खजाना ने वाजे कर दिया। मोहम्मद औरंगजेब ने माली साल 2023-24 का इक्तिसादी सर्वे पेश करते हुए कहा, पीआईए की निचकारी जुलाई अगस्त तक मुकम्मल होने की तवक्को है। कराची और लाहौर एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग का काम शुरू हो चुका, इस्लामाबाद एयरपोर्ट की निचकारी का अमल भी आगे बढ़ाना है। नेशनल बैंक के साथ कुछ दीगर इदारों को प्राइवेटाइज करना है। सिक्योरिटी से मुतल्लिक नाखुशगवार वाकयात का सीपैक पर असर पड़ा। चीन के साथ आईपीपी कर्जों पर बातचीत कर रही है। कर्जों की अदायगी आइंदा साल बड़ा मसला नहीं होगा। करंट अकाउंट डेफिसिट फोरकास्टेड फॉर द ईयर, क्योंकि अब हम जून के में आ चुके हैं, आई थिंक आवर लेटेस्ट फोरकास्ट इज रफली अबाउट $200 मिलियन। इसमें 3 महीने इस साल के एक्चुअली करंट अकाउंट सरप्लस में गए और मई का मेरे पास फाइनल नंबर इस वक्त नहीं है, बट इफ़ आई जस्ट लुक एट द 3.2 बिलियन रेमिटेंस का नंबर जो आया है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई, I am pretty sure it will be another month where we will show a surplus. कोई मुकद्दस गाय नहीं, सबको मैशत का हिस्सा बनना होगा। किसी सरकारी और कारोबारी अदारे को इस्तिस्ना हासिल नहीं, टैक्स वसूली करके दिखाना और जीडीपी बढ़ाना होगा। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि रवा साल रेवेन्यू कलेक्शन में 13% इजाफा हुआ। करंट अकाउंट खसारा $50 करोड़ तक महदूद रखने में कामयाब हुए। महंगाई की शरह 48% से कम होकर 11% पर आई, जल्द सिंगल डिजिट पर आ जाएगी। कोशिश है महंगाई में कमी का रुझान जारी रहे। सनती तरक्की, महंगाई में कमी, अहम मुआशी अहदाफ में नाकामी हुई, वजीर खजाना का एतराफ। वजाहत देते हुए कहा, गुज़िश्ता वर्ष हम डिफॉल्ट के दहाने पर थे, ज़र मुबादला के ज़खायर 2 हफ्ते के रह गए थे। IMF के पास ना जाते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। इसके अलावा हमारे पास कोई प्लान भी नहीं है। आलमी मालियाती इदारे ने नए प्रोग्राम को सराहा है। बजट 2024-25 में मुआशी तरक्की का हदफ 3.6% मुकर्रर। तरक्याती बजट में 1000 अरब रुपए का इजाफा। ज़राई शोबे का तरक्की का हदफ 2%, सनती तरक्की 4.4% और बड़ी सनतों की शरह नमू का हदफ 3.5% रखा गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। कहा, GDP में मजमूई सरमाकारी का हदफ 14.2%, आइंदा माली साल अफरात ज़र का हदफ 12% मुकर्रर किया गया। नए माली साल के लिए वफाक और सूबे मिलकर तरक्याती मनसूबों पर 3792 अरब रुपये खर्च करेंगे। चारों सूबों का सालाना तरक्याती प्लान 462 अरब रुपये इजाफे से 2095 अरब रुपये मुकर्रर किया गया। सिंध तरक्याती मनसूबों पर सबसे ज्यादा 764 अरब रुपये खर्च किए गए। पंजाब ने 700 अरब रुपये, केपी ने 351 अरब, बलोचिस्तान ने 281 अरब रुपये का तरक्याती बजट मुख्तस किया। मुल्क में एक साल के दौरान गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक गधों की तादाद 58 लाख से बढ़कर 59 लाख तक जा पहुंची। घोड़ों की तादाद 4 लाख पर बरकरार, भैंस 13 लाख इजाफे के बाद 4 करोड़ 63 लाख हो गई। गाय की तादाद में 20 लाख का इजाफा हुआ। बकरियों की तादाद 2 करोड़ 2 लाख बढ़ी। मजमूई तादाद 8 करोड़ 70 लाख हो गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 19,000 अरब का बजट कल कौमी असम्बली में पेश करेंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफा मतवक़्क़ है। टैक्स वसूलियों का हदफ 12.9 ट्रिलियन रुपये मुकर्रर। तवानाई के शोबे में सब्सिडीज़ के लिए 800 अरब रुपये मख्तस किए जाने का इम्कान है। सूद और कर्जों की अदायगियों का तखमीना 9,5000 अरब रुपये लगाया गया। कौमी खजाने ने पेंशन का बोझ कम करने के लिए इस्लाहात मुतारिफ करवाने का फैसला। बजट में दरामदी मोबाइल फ़ोन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। दरामदी मोबाइल फ़ोन पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स आयद किए जाने का इम्कान। ज़राई अशिया, खाद, ट्रैक्टर और दीगर आलात पर सेल्स टैक्स लगाया जाएगा। खुराक, अद्वियात, स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। SMEs को दी जाने वाली टैक्स छूट ख़त्म करने की सिफारिश। दरामदी सामान पर टैक्स ड्यूटीज़ बढ़ाने और फूड आइटम पर सेल्स टैक्स छूट ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई है। पीपल्स पार्टी का बजट के मामले पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। अदारों की निजकारी की भरपूर मुखालफत करने का ऐलान। विफाकी बजट पर मुशावरत ना करने का शिकवा भी कर डाला। पीपल्स पार्टी का हुकूमत से आवाम मजदूर दोस्त बजट देने का मुतालबा। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25 से 30% इजाफा किया जाए। आमदन बढ़ाने के लिए टैक्स नेट वसी, बिलवास्ता और बिलावास्ता टैक्स की शरह कम से कम रखी जाए। सनतों के लिए रिलीफ पैकेज मुतारिफ करवाया जाए। खुर्शीद शाह कहते हैं, हुकूमत ने बजट से मुतालिक कुछ बताया है, ना हमें एतमाद मिला। इल्म नहीं, नून लीग निजकारी पॉलिसी, टैक्सेस और तरक्याती प्रोग्राम पर क्या कर रही है। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के पहले फेज की तामीर शुरू। 46 अरब रुपए लागत आएगी। वज़ीर आला पंजाब ने हर हेल्थ प्रोजेक्ट की टाइमलाइन तलब कर ली। पहले फेज में बेड्स की तादाद 100 से बढ़ाकर 150 करने की हिदायत। मरीम नवाज की ज़िर सदारत 3 घंटे तवील खुसूसी इजलास। सीएम पंजाब स्पेशल हेल्थ इनिशिएटिव पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। दूर दराज इलाकों में डॉक्टर्स को स्पेशल अलाउंस देने की मंजूरी भी दी। पंजाब के बजट में किस शोबे के लिए कितने फंड्स रखे जाएं, न्यू न्यूज़ ने बजट की दस्तावेजात हासिल कर ली। पंजाब के तरक्याती बजट का हजम तकरीबन 700 अरब रुपए होने का इम्कान है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन की स्कीमों के लिए 35 अरब 88 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़। खेलों और अमूर नौजवान के लिए 8 अरब 87 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। पंजाब के तमाम शहरी अब कूड़ा उठाने पर टैक्स देंगे। सूबाई हुकूमत ने टैक्स वसूली की मंजूरी दे दी। पंजाब के तमाम शहरियों से सैनिटेशन फीस वसूल करने का भी फैसला। देही इलाकों में 10 मरला तक के घर से 200 माहाना वसूल करने की मंजूरी दी गई। बलोचिस्तान हुकूमत का बजट में नए मुलाजमीन के लिए नए पेंशन स्कीम मुतारिफ करवाने का फैसला। सूबाई वजारत खजाना के मुताबिक मुलाजमीन के ग्रेड के मुताबिक पेंशन की रकम हर माह उनकी तनख्वाह से काटी जाएगी। स्कीम का इतलाक पहले से भर्ती मुलाजमीन पर नहीं होगा। सिक्योरिटी इदारों और पुलिस शोहदा को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। कहा, शोहदा का पैकेज 30 लाख से 1 करोड़ करने की कोशिश करूंगा। जान के बदले 1 करोड़ भी कुछ नहीं है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की मजमूई मआशी सूरतहाल पर बातचीत। आइंदा बजट में आवाम को रिलीफ फराहम करने से मुतल्लिक तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, मियाँ साहब बजट में गरीब और मुतवस्सित तबके का ख्याल रखें। मुल्क की तरक्की और मआशी अहदाफ के हुसूल में ताउन की यकीन दहानी भी कराए। बहुत जल्द चीन से आला सतह का बर्फ पाकिस्तान आएगा। चीन ने सीपैक के फेज 2 में तेजी लाने पर इत्तफाक किया है। चीनी सरमायाकारों वर्कर्स को भी भरपूर सिक्योरिटी देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा कि दौरा चीन में सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ मामलात एजेंडे में सर फहरिस्त से। बैरूनी सरमायाकारी से मुल्क की मायशत मजबूत होगी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर खर्च होगी। मंसूबे से बिजली की सप्लाई में बेहतरी होगी। इजाफी फंड्स की मंजूरी दासू हाइड्रो मंसूबे के फेज़ 1 पर खर्च की जाएगी। आलमी बैंक के एलामिये में कहा गया, दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। मंसूबा मुकम्मल होने पर 5400 मेगावाट बिजली पैदा होगी। बानी पीटीआई के कारकुनान को एहतजाज के लिए तैयार रहने की अपील। कहा, धांधली को करने के लिए सब मुझे खामोश करवाने में लगे हुए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने धांधली करवाई, वो हमारा मसला कैसे हल कर सकता है? 3 या 4 हल्के खुले तो सारा इलेक्शन मशकूक हो जाएगा। मिनिस्टर गौहर कहते हैं, बानी चेयरमैन ने मजाकरात के दरवाजे खोलने का कहा है। वो मुल्क की खातिर सब माफ करने को तैयार हैं, चाहते हैं मजाकरात की पेशकश को किसी डील से ताबीर ना किया जाए। पीटीआई से मुज़ाकरात वक्त का ज़िया, ये पार्टी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जम हो चुकी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, तहरीक-ए-इंसाफ को उन कंधों की तलाश है जो उन्हें इक़्तिदार में लाए। एक बात क्लियर है, उन्हें एनआरओ नहीं मिलना। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के सूबे से लोग लापता हो रहे हैं। धांधलीज़दा इलेक्शन किसी सूरत कबूल नहीं, हर किस्म के नतायज भुगतने के लिए तैयार हैं। अगर जंग है तो जंग ही सही। मौलाना फजलुर रहमान डट गए, वाज़ेह किया, अडियाला जेल वाले से कोई राबता नहीं। सरबराह जेजुआई ने आइंदा लाहे अमल के लिए ईद के बाद पीटीआई से मुज़ाकरात का इंदिया दे दिया। नौ मई को तोड़फोड़ और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का केस पेशावर की इस्लाही दहशतगर्दी अदालत ने 115 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। साबिक सूबाई वजीर तैमूर सलीम झगड़ा और कामरान मंगश भी शामिल। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समात पर गवाहों को तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के नए ट्रिब्यूनल को काम से रोक दिया। दौरान समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक का एडिशनल अटॉर्नी जनरल पर इजहार बरहवी। रिमार्क्स ये कि बार बार बता रहा हूँ, मुआवनत के नाम पर खुद को बंद गली में लेकर जा रहे हैं। जजिस पर जब भी बात आएगी तो बर्दाश्त नहीं करूँगा। जज पर लगाए गए इल्ज़ामात गलत हुए तो वो जेल जाएगा और 5 साल के लिए नाअहल भी होगा। नून लीग की रहनुमा कीलंचम को 24 जून को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। हुकूमत का बैरून मुल्क पनाह लेने वाले पाकिस्तानियों को पासपोर्ट जारी न करने का फैसला। मोहसिन नकवी की हिदायत पर वजारत दाखिला ने मरासला जारी कर दिया। पनाह लेने वाले पाकिस्तानियों के पासपोर्ट मनसूख होंगे, दोबारा तजदीद भी नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया पर लगाम डालने के लिए फायरवॉल की तनसीब का फैसला। डेटा अपलोड करने वाले मवाद का जायजा लिया जाएगा। फायरवॉल खुसूसी फीचर डीप पैक इंस्पेक्शन की सलाहियत की हामिल होगी। सोशल मीडिया डेटा को फिल्टर भी किया जा सकेगा। डीप पैक इंस्पेक्शन से डेटा की लेयर 7 तक देखा जा सकेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने हत्या के इज्जत कानून पर अमल दरामद रोक दिया। कानून पर अमल दरामद अदालती फैसले से मशरूत। दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए हुकूमत पंजाब समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त गुजार ने दलाइल दिए, हत्या इज्जत का कानून आइन से मुतसादिम और जल्दबाजी में मीडिया को कंट्रोल करने के लिए लाया गया है।